हेलो डियर कैंडिडेट्स फॉर द नर्सिंग प्रोफेशनल। पहले अपन ने क्लास में डिस्कस किया था विटामिन, और विटामिन्स के अपने दो सेक्शंस बनाए थे, फैट सोल्युबल विटामिन्स। और सेकंडली अपन ने डिस्कस किया था वाटर सोल्युबल विटामिन्स। सो वाटर सोल्युबल विटामिन्स में अपन ने बीसी को डिस्कस किया था, और फर्स्ट फैट सोल्युबल विटामिन में अपन ने विटामिन्स को डिस्कस किया था, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। सो अपना विटामिन्स का जो मेजर क्लासिफिकेशन है वो फैट सोल्युबल विटामिन्स और वाटर सोल्युबल विटामिन्स। वाटर सोल्युबल विटामिन्स होता है बी और सी, और फैट सोल्युबल विटामिन होता है ए डी ई के। ए का नाम अपन ने पहले बताया था रेटिनॉल। रेटिनॉल है वो अपन जनरली छोटा सा डिस्कस करते हैं कि आंखों में कमी, जो रेडोप्सिन होता है उसकी कमी की वजह से होता है, और इससे नाइट ब्लाइंडनेस होती है। सेकंडली अपन का विटामिन डी था, विटामिन डी का नाम था केले कैल्सी फिरोल नाम था अपना। सेकंडली अपना विटामिन डी था, ये अपना क्या होता है बोन फॉर्मिंग सेल को बनाता है, और इसकी कमी से दो रोग होते हैं, रिकेट्स होता है और ऑस्टियो मलेशिया होता है। तो ये रिकेट्स बच्चों में होता है, ऑस्टियो मलेशिया एडल्ट में होता है। नेक्स्ट अपन वापस डिस्कस करेंगे पहले वाले टॉपिक को, विटामिन ई। तो विटामिन ई का दूसरा नाम है फाइलोक्यूनिन इसका नाम है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है, विटामिन ई की कमी से एक तो अपना इनफर्टिलिटी होता है, एक हिमोबैटिक एनीमिया होता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, ठीक है, सॉरी, अपना विटामिन ई का नाम है वो है टोकोफिरोल। और विटामिन के का नाम जो है वो अपना है फाइलोक्यूनिन। इट्स एक्सट्रीमली सॉरी, विटामिन ई टोकोफिरोल और विटामिन के है फाइलोक्यूनिन। फाइलोक्यूनिन की वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, और ब्लीडिंग में कौन सा रोग, हीमोफीलिया रोग होता है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। इसकी कमी से होता है थ्रोम्बिन, जो कोगुलेशन फैक्टर है उसकी कमी से होता है। विटामिन थ्रोम्बिन होता है वो प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है विटामिन के की कमी की वजह से, इसलिए हीमोफीलिया रोग होता है। और टोकोफिरोल में इनफर्टिलिटी होती है, हीमोलाइटिक एनीमिया होता है। ये अपना हो गया फैट सोल्युबल विटामिन। अब अपन जो मेजरली स्पेसिफाइड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वाटर सोल्युबल विटामिन बी और सी। तो अपन जनरली डिस्कस करते हैं विटामिन बी और सी को। सो फर्स्ट में अपन पढ़ेंगे विटामिन, वाटर सोल्युबल विटामिन्स, वाटर सोल्युबल विटामिन बी और सी। सो बी को अपन को टाइप में बांटा गया, बी को आठ भागों में बांटा गया बी को, और सी ठीक है अब सिंगल रहता है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में अपन पढ़ेंगे विटामिन सी में सेम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अपन। विटामिन सी का दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड किसके फॉर्म में पाया जाता है बॉडी में, सिट्रिक एसिड के फॉर्म में अपना बॉडी में पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी का दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड, और ये सिट्रिक एसिड के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो ये विटामिन है वो विटामिन्स, इस विटामिन्स को अपन दूसरा नाम बोले एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट का विटामिन का क्यों है, क्योंकि ये भी विटामिन है वो कोगुलेशन में काम आने वाला विटामिन होता है। इसका काम क्या है, एक्शन और इम्पोर्टेंस अगर देखा जाए तो ये क्या करता है, बोन और टीथ दांत और हड्डियों को क्या करता है, बोन फॉर्मिंग का काम करता है, बोन फॉर्मिंग ठीक है, हड्डियों को बनाने का काम करता है बोन फॉर्मिंग। तो ये बोन फॉर्मिंग सेल
बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इसके बारे में, विटामिन सी के बारे में कि इसका सोर्स क्या है, विटामिन सी का सोर्स क्या है, किससे अपन को विटामिन सी मिलता है बॉडी में। तो विटामिन सी आंवला से मिलता है, आंवला अपना आंवला होता है उसकी वजह से विटामिन सी मिलता है। और अपना दूसरा मिलता है इंडियन ग्रोस बेरी, इंडियन ग्रोस बेरी, इंडियन ग्रोस बेरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, करौंदा, करौंदा बोलते हैं। करौंदे से अपन को क्या मिलता है, ठीक है, विटामिन सी मिलता है। और मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट एडवेंटेबल जो सोर्स है वो होता है अपना, या तो बोल सकते हैं लेमन या बोल सकते हैं अपन ऑरेंज, ऑरेंज की वजह से अपन को क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है। तो मोस्ट यूजफुल सोर्स ऑफ द विटामिन सी दैट इज मींस ऑरेंज। ठीक है, विटामिन सी का दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड बॉडी में किस फॉर्म में पाया जाता है, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड किससे मिलता है, आंवला से मिलता है, इंडियन ग्रोसबेरी दैट इज मींस करौंदा और लेमन ऑरेंज, इसकी वजह से अपन को विटामिन सी मिलता है। अब अपन जो पढ़ेंगे विटामिन सी की कमी की वजह से क्या होता है, विटामिन सी की कमी दैट इज मींस डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन सी। सो मेजर द डिफेक्ट ड्यू टू द विटामिन सी डेफिशिएंसी दैट इज मींस द स्कर्वी रोग, स्कर्वी रोग सुना है, स्कर्वी रोग कहां पे होता है, स्कर्वी रोग होता है वो टीत में होता है, दांतों में होता है, दांतों में क्या होता है, ब्लीडिंग की ब्लीडिंग ज्यादा होती है, दांतों के मसूड़ों में ब्लीडिंग होना स्कर्वी रोग कहलाता है। सो स्कर्वी रोग, दूसरा है अपना गम ब्लीडिंग, सेम मसूड़ों की ब्लीडिंग को गम ब्लीडिंग बोलते हैं। तो विटामिन सी की वजह से स्कर्वी होता है, गम ब्लीडिंग होता है, और इसको भी अपन मोस्ट हीट सेंसिटिव विटामिन की कैटेगरी में डाला जाता है, मोस्ट हीट सेंसिटिव विटामिन, हीट सेंसिटिव विटामिन, सेंसिटिव विटामिन की कैटेगरी में डाला जाता है। तो नेक्स्ट अपना जो अपना इसकी रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे कि विटामिन सी की रिक्वायरमेंट की क्या होती है, तो सबसे फर्स्ट में अपन को ध्यान रखना वाटर सोल्यूबल विटामिन है। वाटर सोल्यूबल का मतलब ये होता है कि जो विटामिन मिनरल्स के फॉर्म में यूरिनरी ट्रक से कंजप्शन एब्जॉर्प्शन होने के बाद में आउट हो जाते हैं उसको वाटर सोल्यूबल विटामिन बोलते हैं। ठीक है, तो विटामिन सी कितनी रिक्वायरमेंट कितनी है, वाटर सोल्यूबल जो विटामिन है सी उसकी कमी है, सॉरी उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, 90 mg पर 75 mg, 95 से 75 तक अपन को क्या करना है, इसका रिक्वायरमेंट रखनी है। ठीक है, स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, और अपने को जो वेजिटेबल्स में कहां से मिलता है वो अपन ने डिस्कस कर लिया, इंडियन ग्रोस बेरी, ठीक है, और आंवला से मिलता है, ऑरेंज से मिलता है। तो ये सारा अपना विटामिन सी शॉर्ट फॉर्म में ये हो गया। अब अपन मेजरली जो डिस्कस करेंगे विटामिन बी, विटामिन बी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। विटामिन बी है वो भी अपना क्या है, एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। और विटामिन बी के मैंने पहले से शॉर्ट फॉर्म में आपको जो टाइप्स पढ़ाए थे, विटामिन जो बी होता है वो अपन 8 भागों में बांटा गया है। तो 8 भागों को सबसे फर्स्ट में अपन जो कहते हैं विटामिन बी वन, विटामिन बी वन, विटामिन बी वन का जो फर्स्ट नाम है वो है थायमिन, थायमिन इज द अदर नेम ऑफ द विटामिन बी वन। सो विटामिन बी वन का अदर नेम क्या हो गया, थायमिन। थायमिन का काम क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है CHO, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, या फिर अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेशन करने के लिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेशन करने के लिए जो न्यूरॉन्स होते हैं और न्यूरॉन्स पे जो साइनेप्स होते हैं, साइनेप्स होते हैं उसको एसिटोकोलिन, एसिटोकोलिन जो एसिटोकोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, एसिटोकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वो न्यूरॉन्स के साइनेप्स पे या डेंड्राइट्स पे जाके CNS को एक्टिवेशन का काम करता है विटामिन बी वन।
ठीक है, तो इसका एक काम ये है, और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में काम आता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा अपने अपना सैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स में ये डिवाइडेशन हो जाएगा और बनेगा लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है, लिपिड्स। लिपिड्स किस फॉर्म में आता है, अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, ठीक है। तो ये अपना मेन इसका काम है। अब अपन देखेंगे कि विटामिन बी का सोर्स क्या है, किसकी वजह से, कौन से प्रोडक्ट की वजह से अपन को क्या है विटामिन बी वन मिलता है। बी वन मतलब क्या होता है, थायमिन। तो थायमिन है वो अपने को कैरल्स, कैरल्स की वजह से मिलता है। सेकंडली अपना गिंगली सीड्स, गिंगली सीड्स, गिंगली सीड्स क्या होता है, गिंगली सीड्स होता है तिल, तिल का जो बीज होते हैं, तिल का जो बीज होते हैं उसकी वजह से अपन को क्या होता है, तिल के बीज की वजह से अपन को क्या मिलता है, विटामिन बी वन मिलता है। अगर अपन डेली रिक्वायरमेंट, इसके डेली रिक्वायरमेंट अगर पता करेंगे तो अपन को 0.5 mg एडल्ट में चाहिए, एडल्ट में, और 0.3 mg ये चाहिए अपन को चाइल्ड में चाहिए। चाइल्ड और एडल्ट को अगर डिवाइडेशन करना जनरली, तो अबव 3 ईयर दैट इज अ एडल्ट, और अंडर द 3 ईयर दैट इज अ चाइल्ड। तो ये अपना डेली रिक्वायरमेंट रहता है, और इसकी कमी की वजह से क्या होता है, मेन अपन पढ़ेंगे डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन बी वन। सो ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन बी वन देयर आर द टू मेजर डेफिशिएंसी डिसऑर्डर फाउंड इन द विटामिन्स, दैट इज द फर्स्ट वन इज द बेरी बेरी रोग, बेरी बेरी रोग, बेरी बेरी रोग। इसको याद करने के लिए बेरी प्लस वन बेरी, फर्स्ट नंबर का बी वन थाइमिन है, ठीक है, और बेरी के आगे प्लस वन लगा दिया तो बेरी बेरी, तो इसको याद करने का टेक है बेरी प्लस वन, ठीक है। तो बेरी तो विटामिन बी वन है, तो बेरी प्लस वन, तो विटामिन बी वन की वजह से क्या हो गया, बेरी बेरी रोग हो गया। और बेरी बेरी रोग क्या है, बेरी बेरी रोग भी आंखों का ही रोग है। और दूसरा अपना है वो शॉर्ट फॉर्म VKS, VKS, VKS का फुल फॉर्म क्या है, व्रिंकल्स, व्रिंकल्स कारसोफ, कारासोफ, कारासोफ, व्रिंकल्स कारासोफ सिंड्रोम। ये अपना क्या है, दूसरा रोग है, किसका रोग है, विटामिन बी की कमी की वजह से दो रोग होते हैं, बेरी बेरी रोग, बी प्लस वन बेरी वन प्लस, और बीकेएस विंकल्स कारसोफ सिंड्रोम। तो दो ये अपना मेन रोग होता है विटामिन बी वन की वजह से। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं विटामिन बी टू। तो अपना विटामिन बी टू मेन सेकंड कैटेगरी आती है विटामिन बी वन के बाद में विटामिन बी टू। तो विटामिन बी टू को अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो विटामिन बी टू का दूसरा नाम है राइबोफ्लावन, राइबोफ्लावन, राइबोफ्लावन इज अदर नेम ऑफ द विटामिन बी टू। विटामिन बी टू का दूसरा नाम राइबोफ्लावन, और इसको अपन अदर नेम में अगर बोले तो येलो एंजाइम, इसको अपन बोलते हैं येलो एंजाइम, येलो एंजाइम भी इसका दूसरा नाम बोलते हैं। ये का क्या काम आता है, मेनली इसका काम होता है मेटाबॉलिज्म करता है ये विटामिन्स का, मेटाबॉलिज्म करता है फैट का, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और फैट का ये क्या करता है, अपना मेटाबॉलिज्म करता है। दूसरा क्या करता है, ये प्रोडक्शन ऑफ द आरबीसी, आरबीसी का प्रोडक्शन करता है।
एक नॉर्मल आरबीसी की लाइफ स्पान 120 होती है, 120 डेज के बाद में वापस से आरबीसी रिसाइकिल होती है, ठीक है। उसको जो मैकेनिज्म बोलते हैं इरेथ्रोपोइथिस बोलते हैं, आरबीसी का नया प्रोडक्शन होने की जो प्रक्रिया होती है वो इरेथ्रोपोइथिस बोलते हैं। और दूसरा सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन क्या है, अगर अपन ग्लाइकोजन को देखा जाए तो ग्लाइकोजन क्या है, ग्लूकोज अपनी बॉडी में जो स्टोर रहता है लीवर में, वो किसके फॉर्म में रहता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहता है। और अगर इसको अपन डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि जो लास्ट एग्जाम हुआ था राजस्थान CHO का, उसमें ये पूछा गया था कि ग्लाइकोजन किस, ग्लूकोज बॉडी में किस फॉर्म में, ठीक है, स्टोर रहता है लीवर में, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है, स्टोर रहता है। और ग्लाइकोजन है, ठीक है, वो अगर ब्रेकडाउन होता है तो बनाता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज का लास्ट जो अपना प्रोडक्शन जो होता है, ठीक है, वो इंसुलिन के साथ में ग्लूकोज मिलकर बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ग्लाइकोजन इज ए फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज स्टोर इन द बॉडी एज ए लीवर, लीवर में बॉडी में स्टोर रहता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज, ठीक है। तो ये अपन ने डिस्कस किया तीन एक्शन क्या है विटामिन B1 का। अब अपन नेक्स्ट इसका पढ़ेंगे सोर्स, डेली रिक्वायरमेंट और इसकी कमी से क्या रोग होता है। तो अपन इसकी डेफिशिएंसी पढ़ेंगे कि इससे क्या होता है, तो एंगुलर स्टोमेटिस डेफिशिएंसी से इसका होता है, ये है अपना डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी से क्या होता है, एंगुलर स्टोमेटिस होता क्या है, एंगुलर स्टोमेटिस का मतलब होता है अपने जो मुंह के चारों ओर, लिप्स के चारों ओर जो जबड़े होते हैं उसके दोनों साइड पे एंगल पे, एंगुलर, ठीक है, एंगल पर जो है इन्फेक्शन हो जाता है उसकी, उसको अपन बोलते हैं एंगुलर स्टोमाइटिस। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस क्या होता है, ग्लोसाइटिस होता है जीबान जो अपने टंग होती है उसका इन्फेक्शन होना, ठीक है, बोलते हैं। नेक्स्ट अपन क्या इसके रोग, चिलियोसिस, ठीक है, जो अपने मुंह के अंदर, अंदर के जबड़े की साइड पे जो स्किन होती है अगर उसका इंफेक्शन होता है तो वो अपन बोलते हैं चिलियोसिस। और नेक्स्ट अपन इससे दो रोग होते हैं, डर्मेटाइटिस, स्किन का रोग, डर्मेटाइटिस, डर्मिस मतलब स्किन और डर्मेटाइटिस मतलब अपना स्किन का इंफेक्शन। और एक रोग और होता है फोटोफोबिया का मतलब होता है अपना कलर से अपन को क्या होता है, डर लगता है, या फिर अपन सेकंडली देख सकते हैं पानी से डर लगता है, ठीक है। तो पानी को अगर डिवाइडेशन करें तो हाइड्रोफोबिया, और फोटोफोबिया का मतलब अपन को कलर विजन में प्रॉब्लम होती है। तो ये दोनों वर्ड जो है फोटोफोबिया दोनों जगह काम आता है। फोटोफोबिया दैट इज मीन्स द कलर का प्रिसेप्शन करने में अपन को, है ना, समझने में कौन सा कलर एग्जैक्टली है वो अपन को प्रॉब्लम होती है। सेम अपन रेडोप्सिन पे ये काम करता है, रेडोप्सिन होता है उस पे काम करता है, दैट इज मीन्स ये विटामिन ए और B2 दोनों सेम प्रॉपर्टीज का काम करते हैं, एक प्रॉपर्टीज इसकी ये है। नेक्स्ट अपन इसका अगर पढ़ेंगे डेली रिक्वायरमेंट क्या है, तो 1.3 UG कितना है इसका डेली रिक्वायरमेंट, मेल और फीमेल में 1.3 डेली इसका रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ द विटामिन B2 दैट इज अ 1.3 UG, ये इसकी अपनी मेल और फीमेल में रिक्वायरमेंट है। तो ये अपना हुआ विटामिन B2। अब अपन पढ़ेंगे इसका विटामिन B3। विटामिन B3 का अगर अपन सेम कैटेगराइज करेंगे कि विटामिन B3 का नाम क्या है दूसरा नाम, तो अपन विटामिन B3 का दूसरा नाम है नियासिन। क्या नाम है, विटामिन D3 का दूसरा नाम नियासिन, ये अपना विटामिन B3 का दूसरा नाम है। सेम प्रॉपर्टीज है इसका, मेटाबॉलिज्म करना है इसका, सेम प्रॉपर्टीज क्या काम है, मेटाबॉलिज्म ऑफ द CHO कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का और फैट का मेटाबॉलिज्म करते हैं ये, और
टिश्यू के साथ में ग्लूकोज के साथ में मिलके टिश्यू मेटाबॉलिज्म करते हैं। टिश्यू इज अ लास्ट बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। ह्यूमन बॉडी में क्या है अपना, टिश्यू एक लास्ट स्ट्रक्चर होता है। वहां पे जो अपना ग्लूकोज के साथ में मिलकर जो एनर्जी मिलती है तो उसको अपन बोलते हैं टिश्यू मेटाबॉलिज्म। टिश्यू क्या करता है, ग्लूकोज को यूज करता है किसके साथ में, इंसुलिन के साथ में, और एनर्जी करता है तो उसका सेल का डिवीजन होता है। ठीक है, एक सेल से दो सेल, दो सेल से मिटोसिस और मायोसिस, दोनों फॉर्म में टिश्यू मेटाबॉलिज्म होता है। तो ये अपना हो गया मेटाबॉलिज्म एक्शन हो गया। अब अपन बात करेंगे इसकी कमी की वजह से क्या होता है, तो डेफिशिएंसी क्या है इसकी, वो अपन डिस्कस करेंगे। तो एक ही इसका क्लासिकल साइन एंड सिम्पटम होता है, वो होता पेलेग्रा। पेलेग्रा, पेलेग्रा जो रोग होता है वो विटामिन B3 की वजह से होता है। विटामिन B3 का दूसरा नाम नियासिन। नियासिन का मेन काम है वो CHO, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करना, टिश्यू का मेटाबॉलिज्म करना, और विटामिन B3 की कमी की वजह से होता है पेलेग्रा। और पेलेग्रा को अगर अपन को समझना है तो पेलेग्रा का मेन जो जो सिम्पटम होता है वो होता है 3D, और अभी न्यू रिसेंटली जो कॉन्सेप्ट है उसमें 4D कर दिया गया है। तो 3D का मतलब होता है डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस। सेकंडली अपना होता है डायरिया, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डायरिया और डेमेंशिया, डेमेंशिया। ठीक है, तो डर्मेटाइटिस का मतलब स्किन का इन्फेक्शन, डायरिया, वाटरी स्टूल रेगुलर 7 days, 7 days तक अगर वाटरी स्टूल होता है, वाटर फॉर्म में स्टूल होता है तो डायरिया। और डेमेंशिया, डेमेंशिया इज अ टाइप ऑफ द क्रॉनिक ब्रेन डिसऑर्डर। ये एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जो अपना कॉन्शियसनेस को इन्वॉल्व करता है, कॉन्शियसनेस। डेमेंशिया मोस्ट पॉपुलर डेमेंशिया होता है एल्जीमर्स डेमेंशिया, जो अपना फीमेल होती है, एडल्ट फीमेल उसमें होता है एल्जीमर्स डिमेंशिया। और एल्जीमर्स डिमेंशिया में जो मेन प्रॉब्लम्स क्या होती है, वो होता है एमनेशिया, जो मेमोरी को भूल जाते हैं, एमनेशिया। और एमनेशिया कौन से टाइप का, रिट्रोग्रेड एमनेशिया। तो D3 का मतलब डर्मेटाइटिस, डायरिया और डेमेंशिया। और अगर 4D काउंट करें तो इसमें डेथ इंक्लूड हो जाती है। तो अगर 4D को देखा जाए तो डेथ भी होती है। पेलेग्रा इतना डेंजरियस जो साइन एम सिम्पटम करता है कि डेथ को भी इन्वॉल्व करता है। तो रिसेंट करंटली जो कॉन्सेप्ट है वो 4D का है, और पहले जो कॉन्सेप्ट चल रहा था वो 3D का कॉन्सेप्ट है। तो अपन को ये याद रखना है। नेक्स्ट अपन अगर इसका डेली रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे कि डेली रिक्वायरमेंट क्या है विटामिन B3 का, तो 16 mg से 14 mg तक इसका क्या है डेली रिक्वायरमेंट है। 16 mg से 14 mg तक अपना हाईएस्ट रिक्वायरमेंट इज द 16 mg एंड द लोवेस्ट रिक्वायरमेंट इज द 40 mg। ठीक है, इसका रिक्वायरमेंट रहता है। अब अगर अपन इसके सोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये है ना कहाँ से मिलता है, ठीक है, सोर्स क्या है इसका, तो ये अपना सोर्स है मीट से मिलता है, ये मीट, रेड मीट, फिश, मछली से मिलता है, ठीक है, एग से मिलता है, अंडे से, ठीक है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म करने के लिए, और मशरूम से मिलता है। मेन इम्पोर्टेंट इज द मशरूम, मशरूम से क्या मिलता है विटामिन B3। तो ये अपन ने डिटेल में विटामिन B3 के बारे में पढ़ा। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं विटामिन B5। ठीक है, तो अपन को जनरली याद रखना है विटामिन B3 के बारे में। ठीक है, तो विटामिन B3 का दूसरा नाम क्या है, नियासिन है। ठीक है, इसका एक्शन क्या है, मेटाबॉलिज्म करना है फैट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का। ठीक है, इसका एजुनिया कहाँ से अपन को सोर्स मिलता है वो अपन को पढ़ना है, तो रेड मीट से मिलता है, फिश से मिलता है, एग से मिलता है, मशरूम से मिलता है। इसका डेली रिक्वायरमेंट अगर अपन को देखना है तो डेली रिक्वायरमेंट 16 mg से अपन को 14 mg तक होता है। ठीक है, इससे क्या डेफिशिएंसी से क्या होता है, तो पेलेग्रा होता है। पेलेग्रा का साइन एंड सिम्पटम को अगर अपन को पता करना है तो कैसे करते हैं, 3D या 4D, डर्मेटाइटिस, डेमेंशिया, डायरिया, 3D
और देत लग जाता तो 4D होता है। अब अपन डिस्कस करेंगे विटामिन B5 के बारे में। विटामिन B5, तो विटामिन B5 को पेंटाथोनिक एसिड बोलते हैं। पेंटाथोनिक एसिड अपन बोलते हैं, और पेंटा में पेंथो भी लगता है और पेंटा भी लगता है, तो पेंटाथोनिक एसिड करंट फॉर्म्स में यूज आ रहा है। तो ये भी एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, विटामिन बी फाइव, ठीक है। और इसका सबसे फर्स्ट में अपन डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है वो पढ़ेंगे, तो 5 mg से लगा के अपन को 6 mg तक अपनी इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या रोग होता है, इसकी वजह से रोग होता है पेरेस्थेसिया का मतलब क्या होता है, पेरेस्थेसिया का मतलब ये होता है कि अपने बॉडी में जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स पे जो साइनेप्स होते हैं उसका एक्टिवेशन किसकी वजह से होता है, पहले मैंने बताया था कि न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से होता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर का एक्टिवेशन CNS पे होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अगर एक्टिवेशन नहीं होता है तो अपने जो बॉडी में एक टाइप ऑफ का अपन पैरालिसिस ही समझ सकते हैं, ठीक है। तो अपन बॉडी में अगर अपना सेंसेशन खत्म हो जाता है, न्यूरॉन्स का एक्टिवेशन कम हो जाता है, तो उसको बोलते हैं पेरेस्थेसिया। और पेरेस्थेसिया का मेन क्लासिकल साइन एंड सिम्टम होता है कि अपना बॉडी होती है वो पील रोलिंग ट्रिमर जैसे अपने ऐसे अपने बॉडी जनजनाहट करती है, ठीक है। तो उसको अपन पेरेस्थेसिया बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में अपन को ये कहां से मिलता है, सोर्स क्या है इसका, तो सेम विटामिन का सोर्स मीट है, ठीक है। रेड मीट हो गया, फिश हो गया, एग्स हो गया, इसकी वजह से अपन को विटामिन B5 मिलता है। तो पेरेस्थेसिया इज अ मेन डिसऑर्डर ऑफ द विटामिन B5। अदर नेम ऑफ द विटामिन B5 दैट इज अ पेंटाथोनिक एसिड, रिक्वायरमेंट ऑफ द विटामिन B5 दैट इज अ 5 mg पर डेसीलीटर। डेसीलीटर दैट इज अ ब्लड वॉल्यूम इज अ डेसीलीटर। सो अपन को ये अपन हो गया विटामिन B5। अब अपन पढ़ेंगे विटामिन बी सिक्स। तो विटामिन B6 को अपन डिस्कस करेंगे, तो विटामिन B6 का दूसरा नाम है पाइरोडॉक्सिन। विटामिन B6 का दूसरा नाम आता है वो पाइरोडॉक्सिन है, और पाइरोडॉक्सिन का मेन इंपोर्टेंस काम होता है वो होता है TB का जो ट्रीटमेंट चलता है, एक्शन बता रहा हूं मैं इसकी काम क्या आता है। टीबी का जो ट्रीटमेंट चलता है, ट्यूबरक्लोसिस का जो ट्रीटमेंट चलता है, उसमें अपन डॉट्स थेरेपी यूज करते हैं। डॉट्स का पूरा नाम क्या है, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है। और इसमें दो टाइप की ड्रग होती है, फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकेंड लाइन ड्रग्स होती है। तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स में एक ड्रग होती है आइसोनियाज़ाइड ड्रग्स होती है, जिसको अपन H से सिंबल से पता करते हैं। आइसोनियाज का ड्रग का जो सिंबल है वो H है, ये फर्स्ट लाइन ड्रग है। और अगर इसकी कैटेगरी देखा जाए डॉट्स में तो रेड बॉक्स। आइसोनियाज ड्रग्स का ड्यूरेशन होता है, या डॉट्स का जो ड्यूरेशन होता है 6x8x6, ठीक है, 6 मंथ 8 मंथ 6 मंथ, ठीक है। रेड बॉक्स और ब्लू बॉक्स और येलो बॉक्स, और येलो बॉक्स को अपन ब्लैक बॉक्स भी बोलते हैं। 6 मंथ 8 मंथ 6 मंथ, तो अपन जो बात कर रहे हैं वो टीबी में डॉट्स चलता है, डॉट्स में जो फर्स्ट लाइन ड्रग होती है आइसोनियाज़ाइड, और आइसोनियाज़ाइड को अगर बॉडी में एब्जॉर्प्शन होना है तो वो विटामिन B6 के साथ में देना होता है, उसकी वजह से अपना आइसोनियाज़ाइड का मेटाबॉलिज्म होता है, सिंथेसाइज होता है पाइरोडॉक्सिन के साथ में। तो ये अपनी मेन ड्रग आती है टीबी में। तो टीबी में अपन को डॉट्स थेरेपी अगर चल रही है तो विटामिन B6 को देना जरूरी है, ठीक है। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं
कि विटामिन बी सिक्स का अदर काम क्या है, तो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करने के लिए काम आता है। प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होगा तो अमीनो एसिड बनेगा, अमीनो एसिड बनेगा, ठीक है। तो ये अपना मेन काम इसका आता है। डेफिशिएंसी से क्या होता है इसका, इसके विटामिन बी सिक्स की कमी की वजह से क्या होता है, ये अगर अपन डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट नंबर अपना जो प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, डिसऑर्डर को डिस्कस करते हैं, तो एनीमिया होता है इसकी वजह से। एनीमिया, एनीमिया इज नॉट अ जनरलाइज्ड स्पेसिफिक कि कौन सा एनीमिया होता है, बट ऑल ओवर मिला के देखा जाए तो विटामिन बी सिक्स में की वजह से ब्लड का वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, तो उसकी वजह से एनीमिया होता है। सेकंड, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, पेरिफेरल साइड पे, मतलब बॉडी के चारों पार्ट्स पे, अपर लिम्स पे और लोअर लिम्स से। अपर लिम्स में क्या आता है, दोनों हैंड्स, और लोअर लिम्स में क्या आता है, दोनों लेग्स। तो पेरिफेरल चारों ओर न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी का मतलब अपना जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, उस पे क्या होता है, सिस्ट बन जाता है। तो उसका अपन दूसरा अगर नाम देखा जाए तो सिस्टिक फाइब्रोसिस, क्या बोलते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो उसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, अपना सीएनएस एक्टिवेशन नहीं हो पाता है। और सेम पेरिफेरल न्यूराइटिस, न्यूराइटिस, पेरिफेरल न्यूराइटिस कैसे बोलते हैं, जो अपना स्पाइनल कॉर्ड में जो न्यूरॉन्स होता है, ठीक है, वो अपना एक्टिवेट नहीं होता, तो उसको बोलते हैं पेरिफेरल न्यूराइटिस। जो स्पाइनल कॉर्ड में न्यूरॉन्स होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो ब्रेन के डायरेक्ट एक्टिवेशन पे होते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से पेरिफेरल न्यूराइटिस होता है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे विटामिन B7। विटामिन B7 के बारे में डिस्कस करने से पहले अपन एक बार सिंपल सा वापस से विटामिन B6 को पढ़ लेते हैं। विटामिन B6 का दूसरा नाम है पाइरोडोक्सिन। पाइरोडोक्सिन टीबी का जो ट्रीटमेंट चलता है, टीबी का जो ट्रीटमेंट चलता है उसमें आइसोनियाज़िड ड्रग्स होती है, डॉट्स थेरेपी चलती है, उसके साथ में दी जाती है। सेकेंडली प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करता है, इसकी कमी की वजह से क्या होता है, एनीमिया होता है, पेरिफेरल न्यूरेटिस होता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है। तो अब अपन विटामिन B6 का जो रिक्वायरमेंट है वो भी पढ़ लेते हैं। विटामिन B6 का रिक्वायरमेंट होता है 1.3 से 1.7 UG, ये क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है। और अपना ये कहाँ से मिलता है, तो सबसे फर्स्ट में बनाना, बनानास इसकी वजह से मिलता है, और मीट से मिलता है, और ऑल ग्रीन लेफी वेजिटेबल से अपन को ये विटामिन B6 मिलता है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे विटामिन B7। विटामिन B7 अपन पढ़ेंगे। विटामिन B7 का दूसरा नाम पढ़ा जाए तो विटामिन B7 का दूसरा नाम है बायोटीन। बायोटीन इज अदर नेम ऑफ द विटामिन B7। और विटामिन B7 भी एक वाटर सोल्युबल विटामिन है। इसका अगर रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं तो 30 UG इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द विटामिन B7 फॉर द मेल एंड द फीमेल एडल्ट। एडल्ट में इसका ये रिक्वायरमेंट रहता है, ठीक है। और इसका जो नॉर्मल सा डेफिशिएंसी होता है वो होता है डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस स्किन का इन्फेक्शन, और एंट्राइटिस, एंट्राइटिस दैट इज मींस इंटेस्टाइनल ट्रक्ट होती है, अपनी पेट में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइनल ट्रक्ट होती है, उसमें अगर वर्म, वर्म मतलब कीड़े, कीड़े पड़ जाते हैं तो एंट्राइटिस इसको बोलते हैं। वर्म इन्फेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज कॉल्ड एज द एंट्राइटिस, ठीक है। तो ये अपन को डिस्कस किया विटामिन B7 के बारे में, और अपन को ये कहाँ से मिलता है, सेम, ठीक है, ये मीट से मिलता है, एग से मिलता है, प्रोटीन अगर अपन देखा जाए फिश से मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है, ठीक है, और अपने लीवर से मिलता है, पीनट से मिलता है, ये सारा अपना क्या हो गया, विटामिन B7। अब अपना मेनली जो दो विटामिन्स बचे हैं जो मोस्टली डिस्कस किया जाता है एग्जामिनेशन में, वो अपना है विटामिन B9। विटामिन B9,
विटामिन बी नाइन, विटामिन बी नाइन का दूसरा नाम है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड, और फोलिक एसिड अपने बॉडी में किस फॉर्म में पाया जाता है? फोलेट के रूप में। और फोलेट अपने है ना किस फॉर्म में रहता है? फेरेटिन के रूप में। और फेरेटिन क्या काम आता है? कोगुलेशन फैक्टर है। कोगुलेशन फैक्टर क्या है? फेरेटिन है। तो अपन को ये डिस्कस करना, फोलिक एसिड फेलेट के रूप में पाया जाता है, फोलेट होता है वो फेरेटिन के रूप में पाया जाता है, और फेरेटिन क्या है? कोगुलेशन फैक्टर है। तो इसका मतलब अपन ये भी पता कर सकते हैं कि ये कोई ना कोई ब्लड डिसऑर्डर हो है, ठीक है, क्योंकि कोगुलेशन फैक्टर क्या है? एक ब्लड में काम आने वाला फैक्टर है, ठीक है। तो अपन विटामिन बी नाइन के बारे में पढ़ते हैं कि विटामिन बी का नाम क्या है, तो अपना फोलिक एसिड है, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं अपन, रिक्वायरमेंट होता है वो होता है 400 UG, 400 UG फॉर मेल एंड फीमेल एडल्ट, मेल एंड फीमेल एडल्ट के लिए 400 UG होता है। और इसकी कमी की वजह से एक मोस्ट जो एनीमिया होता है वो होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इसका नाम है, ठीक है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसकी वजह से होता है? कि अपने जो बच्चे होते हैं उसमें क्या है कि रेड बोन मैरो होती है वो इनफ मेच्योर नहीं होती है, तो उसकी वजह से अपना एरिथ्रोपाइसिस होता है, ठीक है। आरबीसी बनाने वाला जो एक मैकेनिज्म होती है वो कंप्लीटली बच्चों में चल नहीं पाती है, तो उसकी वजह से आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है। जो आरबीसी 120 दिन लाइफ स्पैन होता है वो प्रॉपर से नहीं चल पाती है, तो उसका ब्रेकडाउन जल्दी होने की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। तो बच्चों में एक दिक्कत और आने लगती है, वो दिक्कत होती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का मतलब ये होता है कि जो अपनी स्पाइनल कॉर्ड का जो लास्ट एंडिंग पार्ट होता है, ठीक है, वो क्या है प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाता है, तो उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोलते हैं, NTD, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो NTD भी होता है, उसके साथ में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के साथ में क्या होता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। ये एक टाइप का बर्थ डिफेक्ट है। किसका? स्पाइनल कॉर्ड का, स्पाइनल कॉर्ड बर्थ डिफेक्ट, स्पाइनल कॉर्ड बर्थ डिफेक्ट, डिफेक्ट मतलब डिसऑर्डर। तो अपना स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरीके से क्लोज नहीं हो पाना न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, और एक होता है अपना मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इज अ डिसऑर्डर ऑफ द विटामिन B9, ठीक है। और ये विटामिन B9 मोस्टली किससे मिलता है? ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स, हरे पत्ते की जो सब्जियां होती है उसकी अपन सोर्स को काउंट में किया जाता है विटामिन B9 का। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे विटामिन B12। तो विटामिन B12 को अपन पढ़ेंगे, तो विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या है? अगर अपन उस पर डिपेंड अपन बात करेंगे तो साइनोकोबालामिन इज द अदर नेम ऑफ द विटामिन B12। विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या है? साइनोकोबालामाइन इज द अदर नेम ऑफ द विटामिन B12, ठीक है। इसका डेली रिक्वायरमेंट कितना रहता है? 2.4 UG से अपना रिक्वायरमेंट रहता है इसका, 2.4 UG, ठीक है। और अपना इसकी वजह से जो रोग होता है विटामिन B12 की वजह से रोग जो होता है वो अगर अपन डिस्कस करेंगे तो होता है अपना पर्सिनियस एनीमिया। किससे होता है पर्सिनियस एनीमिया? इससे होता है कि अपना जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें अपना पेराइटल सेल होती है, वो क्या करती है? विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में पेराइटल सेल की कमी हो जाने की वजह से विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से अपने को पर्सिनियस एनीमिया होता है। तो ये अपन ने पढ़ लिया, रिक्वायरमेंट पढ़ ली, अदर नेम पढ़ लिया इसका, और इसकी कमी की वजह से क्या होता है। तो अपन विटामिन B12 भी पढ़ लिया है, ये फाइनली अपना विटामिन वाटर सोल्युबल विटामिन B6 के अपन ने
बारे में पढ़ लिया। अगर अपन जनरली नॉर्मल सा डिस्कस करते हैं ठीक है, तो विटामिन्स होता है वो दो टाइप में होता है, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल में अपना बीसी पढ़ लिया है और फैट सोल्यूबल में अपन ने एडीई के ये विटामिन पढ़ लिया है ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके जो भी क्वेश्चन राइज होते हैं वो पढ़ेंगे और न्यूट्रिशन को अपन आगे और पढ़ेंगे। थैंक यू।